निगम की तरफ से गड्ढा इसको कर दिया गया है। अब बहुत टाइम से ये गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, इसमें शादी होके आ रही थी, दुल्हन दूल्हा थे गाड़ी में, तो वो गाड़ी का पहिया अंदर चला गया तो उनके चोट लगी। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर किस तरीके की रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, मोहल्ला मानुजई थाना कोतवाली क्षेत्र का है। अमूमन नाला खुला हुआ है और घटनाएं दिन प्रतिदिन होती हैं। मामूली से मामूली घटनाएं, आपको बता दें महीने में दो घटनाएं तो होना है। आज सुबह भी इसी तरीके की घटनाएं हो गई जिससे गाड़ी फोर व्हीलर एम्बुलेंस खुले नाले में गिर गई। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं गर्रा फाटक के पास शराब की भट्टी के सामने का बाखूबी नज़ारा आप देख रहे हैं। जिस तरीके से बुलेरो गाड़ी गिरी, ड्राइवर के चोट लगी मामूली, लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है, घटनाएं होती ही रहती हैं। बुलेरो गाड़ी गिरी, गिरने के बाद ड्राइवर के चोट लगी, लेकिन नगर निगम की घोर लापरवाही, कितनी लापरवाही बाखूबी आप देखिए। लोगों को ये कहना है काफ़ी महीने हो गए नाला खुले से, लेकिन इस नाले पर कोई भी पटला या के स्लिप नहीं बनाया गया जिससे इस तरीके की घटनाएं न हों। हालांकि क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है, कुछ महीने पहले एक दूल्हा दुल्हन गाड़ी में आ रहे थे और नाले में गिरी गाड़ी, लेकिन मामूली चोटें आईं। मामूली चोटों के साथ साथ क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनको हम घर में कैद करके रखते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो खेलने आते हैं तो अमूमन खुला नाला होने के बावजूद कोई भी दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है, इसलिए माता पिता उनको घरों से नहीं निकलने देते। क्षेत्रवासियों ने पूरी बात बताई। आज सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जिस समय एम्बुलेंस वहां पर आई और आने के साथ साथ किस तरीके से नाले में गिरी, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। हालांकि ड्राइवर के मामूली चोट आई, लेकिन बड़ी घटना होने से बच गई। और इस घटना का सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों का कहना है नगर निगम की है। नगर निगम की घोर लापरवाही, कितनी लापरवाही, सुनिए जरा क्षेत्रवासियों की जुबानी। ये नगर निगम की तरफ से गड्ढा इसको कर दिया गया, अब बहुत टाइम से ये गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही नगर निगम की है। कई नगर निगम के कई लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देख रेख करी, देखा भाला और चले गए। और इसमें आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है, कभी कोई जानवर गिर रहा है, कभी कोई छोटी गाड़ी गिर रही है, कोई बड़ी गाड़ी गिर रही है। लोग राहगीर निकलते हैं जिनको नहीं मालूम इस गड्ढे के बारे में, वो भी इससे चोटिल होते हैं। तो इस पे यह नगर निगम को चाहिए कि इस पे सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए और इस पे काम कराया जाए। कितना टाइम हो गया इस गड्ढे? इसको लगभग एक साल से ऊपर हो गई है और कोई देख रेख नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही। लगभग एक साल से ऊपर हो गई है और कोई देख रेख नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। आज भी सुबह ये बहुत बड़ी वारदात होने से बची जिसमें वो मामूली चोटिल हुआ लड़का, ड्राइवर जो था, ठीक है। महीने में कई बार घटनाएं होती हैं, महीने में दो चार छह तो गिरते ही रहते हैं। अब कोई रात के अंधेरे में गिरा तो दो चार लोगों ने देखा, निकाला, चला गया। अब दिन में अगर कोई गिरता है तो भाई मोहल्ले वाले भी खड़े हैं उसके लिए। अगर ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम। शादी होके आ रही थी, दुल्हन दूल्हा थे गाड़ी में, तो वो गाड़ी का पहिया अंदर चला गया तो उनके चोट लगी, समझे। बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। हम लोग मोहल्ले के लोग जितने भी हैं अपने बच्चों को घर में ही रखते हैं, उसके पास जाने नहीं देते हैं क्योंकि काफी गहराई है उसकी। लेकिन अभी तक कोई नगर निगम से कोई भी अधिकारी देखने भी कोई नहीं आता है। अगर कोई आया, उनने देखा, देखकर वो चला गया, फिर वो लौट के नहीं आता है, आज सुबह कई बजे की घटना है ये? लगभग करीब 8:30 बजे घटना है। हाँ, और हम लोग ने पूरे मोहल्ले ने उसे कोशिश करी निकालने की, मगर गड्ढा इतना गहरा है कि पूरा मोहल्ला फेल हो गया। अब क्रेन ही निकालेगी आकर उसे।
फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोज बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन.